नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में दीक्षा भूमि पर गूंजा जय भीम का नारा। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की 65वीं वर्षगांठ पर पहुंचे अम्बेडकरवादी। ड्रैगन पैलेस परिसर में भी हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नागपुर में 125 चौराहों पर होगा सामूहिक झंडा गीत गायन। महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी जानकारी। और वनी में शातिर मोबाइल चोर को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 7 मोबाइल फोन बरामद। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के पवित्र स्थल दीक्षा भूमि में 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर समारोह का आयोजन किया गया है। दीक्षा भूमि में दर्शन करने के लिए सुबह से ही अनुयायियों का तांता लगा है। विशेषकर वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को ही दीक्षा भूमि में प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 वर्षों से दीक्षा भूमि स्थल भी बंद था, जिस कारण अनुयायी दर्शन करने नहीं जा पाए। वहीं इस साल गुरुवार को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पवित्र अस्थि कलश के दर्शन करने के लिए सुबह से ही अनुयायी आ रहे हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीक्षा भूमि में केवल कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही जिनके पास 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, उन्हें ही प्रवेश मिल रहा है। वहीं 65 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को और 18 वर्ष से कम वालों को दीक्षा भूमि में आने की अनुमति नहीं है, ऐसी जानकारी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति के सचिव सुधीर फुलझेले ने दी है। मागच्या वर्षी कोरोनाचा संकट थोडं भारीच होतं, त्यामुळं अनुयायांना दर्शनही घेता आलं नाही। बाकी 14 एप्रिल, 6 डिसेंबर बुद्ध जयंती यातही अनुयायांना येता आलं नाही, त्यामुळं बाबासाहेबांच्या दीक्षाभूमीचं बाबासाहेबांच्या अस्थीचं दर्शन घेण्याची उत्कंठा सर्व अनुयायांमध्ये होती। यावर्षी कोरोनाचं सावट अजून गेलेलं नाही, तरी गर्दी होऊ नये म्हणून स्मारक समितीने सर्व समारोह हे रद्द केलेले आहेत। आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद रद्द केलेली आहे, जो मुख्य कार्यक्रम असतो तोही रद्द केलेला आहे। पण अनुयायांना विना त्रास देता अस्थींचं दर्शन व्हावं म्हणून स्मारक समितीनं महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या सहाय्यानं सर्व अनुयायांची सोय केली आहे, जेणेकरून आपण कोरोनाचे सर्व नियम पाळून बाबासाहेबांच्या अस्थींचे दर्शन घेऊ शकू। यामध्ये ज्यांच्या 2 लसी झालेल्या आहेत त्याच लोकांना प्रवेश राहील। ज्यांच्याकडे 2 लसीचं प्रमाणपत्र नाही, त्यांनी 72 तास अगोदरची RT-PCR किंवा 24 तास अगोदरची रॅपिड अँटीजेन टेस्ट केली असेल आणि ती निगेटिव्ह असेल, त्यांनाही प्रवेश देण्यात येईल। 18 वर्षाखालील आणि 65 वर्षावरील नागरिकांना प्रवेश देता येणार नाही। त्याशिवाय मास्क घालणं, सॅनिटायझर वापरणं हे बंधनकारक आहे। सर्व अनुयायांनी स्वतः सुरक्षित राहावं, आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवावं आणि त्याजोगे सर्व समाजाला ह्या कोरोनाच्या संसर्गापासून वाचवावं, असं मी आपल्याद्वारे सर्व अनुयायांना आवाहन करतो। नागपुर के दीक्षा भूमि पर 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर बड़ी संख्या में आम्बेडकरवादी जनता गुरुवार को पहुंची हुई थी। इस दौरान कोरोना के नियमों को देखते हुए यहां आने वाले लोगों में रोष देखा गया, जबकि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के 65वें वर्ष पर लोगों ने वीकेबी न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आज दीक्षा भूमि में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके चलते लोगों की काफ़ी सारी भीड़ उमड़ सकती है। तो इसके बचाव के लिए महानगर पालिका के द्वारा कई सारे नियम कानून लगाए गए हैं ताकि लोग कोरोना से बचे, जिसके चलते हैंड सैनिटाइजिंग सभी लोगों के लिए लगाई गई है और काफ़ी सारे बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि लोग
लिमिट्स में रहे और सभी कोरोना के नियमों का पालन करे। तर आज किती लोकांनी इथे तपासणी आतापर्यंत करून झालेली आहे आणि किती लोकांची वैक्सीन घेऊन झालेले आहे? अभी तक यहाँ पे 260 लोगों का क्या बोलते टेस्ट हो चुका है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं हम, और 10 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट सेकंड डोज दोनों मिला के 10 लोगों का हुआ है। तो ये बिना वैक्सीन लिए किसी को भी मतलब अंदर जाने की अनुमति नहीं है? जिनका सेकेंड डोज हो चुका है उनका हम सर्टिफिकेट चेक करके उनको अंदर जाने दे रहे हैं, और जिनके पास RT-PCR की रिपोर्ट होगी 72 घंटे के अंदर की उन लोगों को भी हम जाने दे रहे हैं। बट जिनका फर्स्ट डोज हुआ है उनको हम वैक्सीन टेस्ट करने के बाद ही अंदर जाने दें, स्क्रीनिंग हो रही है, अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनको अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं। और पॉजिटिव पॉजिटिव लोगों को हम क्वारंटाइन करने वाले ML हॉस्टल में। और टोटल कितने पेंडोल लगे हैं दीक्षा भूमि के रास्ते के? टोटल 6 पेंडोल लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। मतलब रहने वाली नागपुर की हूँ, तो नागपुर का ही जन्म है और सब कुछ एजुकेशन नागपुर का है, तो यही से मतलब तो आना लगातार होता है, पर बीच में शादी के बाद कुछ साल बाहर रहे तो बाहर से भी आके हम अंदर में स्टॉल लगाते हैं। और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इस 65वें उत्सव पर आप इस दिन को कैसे देखते हैं? इस दिन को मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में तो बाबा साहब ने हमको मुक्ति का मार्ग दिलाया था 1956 के बाद, 14 अक्टूबर 1956 अभी 65 साल हुए, और 65 साल के उपलक्ष्य में हम इसमें दिखते हैं कि जब ये पावन दीक्षा भूमि है, पवित्र दीक्षा भूमि जिसे कहते हैं, तो मैं उस नज़रे से देखती हूँ कि बौद्ध पहले बने फिर दिखे और फिर मतलब लिखे, तो क्या हम बौद्ध बन गए, क्या दिख रहे और क्या लिख रहे, तो यही मेरा नारा है और हमारा सबका, और तब से यही मिशन में और यही मिशनरी हमारा वर्क है। ये क्या कर रहा है? नहीं, ये जो है ये बंदोबस्त हर साल रहता है, सिक्योरिटी के रीज़न से ही रहता है, रिस्ट्रिक्शंस उस तरह के नहीं है कि जो लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को आने के लिए पूरी तरह से छोटे से भी शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये आह्वान किया गया कि कोरोना के जो नियम दिए गए उसका पालन हो जाए, और उस पर भी अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो वो चेकिंग की व्यवस्था है, व्यवस्था चेकिंग करके लोगों को छोड़ा जा रहा है, ऐसा कोई किसी को रोका जा रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर। जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं और टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद पॉजिटिव मिलते हैं तो उनके लिए आरोग्य विभाग ने उनके यूनिट्स रखे हैं, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या क्या रूल्स लगाए गए हैं सेफ्टी के लिए या भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो उसके लिए? सेफ्टी के लिए आप देख रहे हैं बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके थ्रू ही लोगों ने आना चाहिए, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग रहकर दर्शन करना ये जो है सभी के लिए सेफ रहेगा, ये उद्देश्य है यहाँ पर बैरिकेड्स लगाने का। सर, कुछ लोगों का कहना है कि पर्यटकों से ज़्यादा अवसर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आए लोग जो है ये हर साल इतना ही बंदोबस्त रहता है, इस बार कोरोना की वजह से बाहर शहर से गाँव से लोग कम आए हैं, और वो आह्वान किया गया था, संयोजन समिति ने भी आह्वान किया था कोरोना के दौरान। ये भी बताया गया था कि 15 साल से कम या 18 साल से कम और 65 से ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो वो सभी आ रहे हैं। उसकी जो है यंत्रणा चेकिंग के लिए अलग से लगाई गई है, आरोग्य विभाग, महापालिका और संयोजकों की वजह से लगाई गई, चेक कर रहे हैं वो, अगर कोई कम होता है तो उसको हिदायत दी जा रही है कि आप ना आए। आज के इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर हम दीक्षा भूमि में इस 65वें वर्ष पर आज के इस महोत्सव में शामिल हुए हैं, जहां हमने कई सारे लोगों से बात की, कई ने अपना रोष व्यक्त किया तो कई लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आए। इसी के साथ ही हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मैं शिवानी थोटे, रोशन बोकड़े के साथ VKB न्यूज़, नमस्कार। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर कामठी के ड्रैगन पैलेस में विशेष बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। एडवोकेट सुलेखा कुंभारे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। ओगावा सोसाइटी अध्यक्ष, ड्रैगन पैलेस टेंपल प्रमुख व पूर्व राज्य मंत्री एडवोकेट सुलेखा कुंभारे ने बताया कि दादा साहब कुंभारे परिसर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस टेंपल में 14 और 15 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ड्रैगन पैलेस टेंपल परिसर को आकर्षक रंग बिरंगी लाइट, पंचशील ध्वज के साथ पताकाओं से सजाया गया। विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस टेंपल परिसर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सांस्कृतिक व संशोधन केंद्र व ड्रैगन पैलेस विपश्यना मेडिटेशन सेंटर को भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ड्रैगन पैलेस टेंपल में भिक्षु संघ की प्रमुख उपस्थिति में विशेष बुद्ध वंदना व धम्म देशना की गई। इस अवसर पर बौद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कर्मवीर दादा साहेब कुंभारे के 39वीं स्मृति दिन पर दादा साहेब कुंभारे की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन भी किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भिक्षु के साथ महिलाएं भी उपस्थित थीं।
नागपुर मनपा खादी ग्रामोद्योग और खासदार सांस्कृतिक समिति द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नागपुर के 125 चौराहों पर झंडा गीत का सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया, ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि नागपुर मनपा खादी ग्रामोद्योग और खासदार सांस्कृतिक समिति के संयुक्त तत्वावधान में आजादी का अमृत महोत्सव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, साथ ही झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में नागपुर के 125 चौराहों पर झंडा गीत का सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 17 अक्टूबर को सामूहिक झंडा गीत गायन का कार्यक्रम नागपुर शहर के 125 चौराहों पर लिया जाएगा। 60 चौराहों पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा ये कार्यक्रम होगा। इसी दिन संविधान चौक पर मनपा द्वारा लगाए गए संविधान के शिलालेख का लोकार्पण किया जाएगा, ऐसी जानकारी महापौर ने दी। इस कार्यक्रम में नेता, अधिकारी, पदाधिकारी समेत नागरिक उपस्थित रहेंगे। नागपुर महानगर पालिका खादी ग्रामोद्योग और खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में नागपुर शहर के 125 चौराहों पर देश के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, साथ ही साथ में झंडा गीत के रचयिता श्री श्यामलाल जी गुप्त पार्षद, इनकी 125वीं जयंती निमित्त सामूहिक झंडा गीत गायन का कार्यक्रम रखा गया है। नागपुर शहर के अन्यान्य 125 चौराहों पर करीब करीब इसमें से 60 चौराहों पर शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से शालेय विद्यार्थी और बाकी स्थानों पर सामाजिक संस्थाएं, ये सब एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से 17 तारीख को सुबह 11 बजे एक साथ झंडा गीत गायन करेगी। अपने तरह का एक अनुपम कार्यक्रम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से यह लिया गया है। जिस प्रकार से वंदे मातरम गीत देश के आज़ादी के तरानों में मुख्यतः गीत है, उसी प्रकार से आज़ादी के आंदोलन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत भी उसी तन्मयता के साथ गाया गया और लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सक्षम हुआ। इन दोनों महासुपुतों को अपनी आदरांजलि व्यक्त करने के दृष्टि से और अमृत महोत्सव के दृष्टि से वर्तमान पीढ़ी के बीच में यह झंडा गीत पुनः गाया जाए, पुनः लोगों के बीच में यह प्रतिपादित हो और लोगों को जानकारी मिले कि इस प्रकार से भी एक तराना था जिसे गा करके लोगों ने आत्मोत्सर्ग करके इस देश को आज़ादी दिलाई, यह स्थापित करने के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। इन 125 चौराहों में महानगर पालिका का जो मुख्य कार्यक्रम है, यह नागपुर शहर के संविधान चौक पर आयोजित है। इस आयोजन में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी उपस्थित रहेंगे, महाराष्ट्र के विरोधी पक्षी नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस उपस्थित रहेंगे, नागपुर शहर के पालक मंत्री माननीय नितिन राउत जी उपस्थित रहेंगे, हमारे युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार जी उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार से सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम का आयोजन हम लोग यहाँ संविधान चौक पर कर रहे हैं। उसी दिन इसी प्रसंग पर संविधान का प्रस्तावना का एक शिलालेख भी महानगर पालिका ने संविधान चौक पर लगाया है, उसका भी लोकार्पण इसी दिन किया जाएगा। इस दृष्टि से यह दुग्ध शर्करा रोग संविधान चौक पर आने वाला है। आपके माध्यम से मैं समस्त नगरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन 125 चौराहों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, अखबार के माध्यम से उसकी संपूर्ण यादी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। नरखेड़ थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे हुए सड़क हादसे में एक 9 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर होने से ये भीषण हादसा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मन्नाथ खेड़ी निवासी पवन बोरीवार, अपनी पत्नी मनीषा बोरीवार और कोंढाली निवासी भांजी तेजू शरद वाघाड़े और 9 वर्षीय परी शरद वाघाड़े को लेकर मोटरसाइकिल से पारट सिंगा की ओर माता अनुसया मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। इस बीच सावरगांव सोनोली गांव के बीच टर्निंग पर सामने से आ रही स्कॉर्पियो क्रमांक MH40AC6712 ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सामने बैठी परी शरद वाघाड़े की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो चालक चंद्रशेखर विष्णु भुजाड़े को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया। सभी घायलों को मेडिकल अस्पताल नागपुर में भर्ती कराया गया है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है।
सुरुचि मसाले। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनी पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 7 मोबाइल बरामद किए। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस ने बड़ी होशियारी से आरोपी को पकड़ा। वनी के दिंडोरी में मोबाइल चुरा कर ले जाने के संदेह पर वनी पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को पकड़ा, साथ ही आरोपी के पास से चोरी किए हुए 7 मोबाइल बरामद किए। दिंडोरी में 8 अक्टूबर को मोबाइल चोरी की शिकायत पुलिस को मिली थी। इसी आधार पर वनी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे जांच कर 2 संदिग्धों को पकड़ा और उनसे कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें से एक ने मोबाइल चोरी करने की बात कबूल की। साथ ही आरोपी ने कहां से और कैसे मोबाइल चोरी की इसकी जानकारी भी पुलिस को दी। दिनांक 18/2021 रोजी वनी पुलिस 482/2021 प्रमाणे भादवी 354 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला असून सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी मनीष खाविया यांची शिंपी गल्ली ते सकाळी 6 ते 7 वाजेच्या दरम्यान त्यांच्या हॉलमध्ये त्यांचा सॅमसंग कंपनीचा ब्ल्यू रंगाचा मोबाईल चार्जिंगसाठी लावून ते आंघोळीसाठी बाथरूममध्ये गेले। त्यावेळेस अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या पाठीमध्ये दबाच्या कडी उघडून आत प्रवेश केला आणि त्यांचा कंपनीचा ब्ल्यू रंगाचा सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल चोरून नेला। चोरून नेल्यानंतर त्यांनी बघितलं येऊन तर घरातल्या लोकांना विचारपूस केली का माझा मोबाईल कोण कुठे आहे, तर त्यांना मिळून न आल्याने त्यांना त्यांचा संशय बळावला का आपला कोणतरी अज्ञात चोरट्याने मोबाईल चोरून नेला। त्यांनी पोलीस स्टेशनला आले, फिर्याद दिल्यानंतर आम्ही सदर ठिकाणी आजूबाजूच्या लोकांना विचारपूस केली त्यांचं कोणी संशयित मिळतं का। मग आम्ही तिथे आजूबाजूच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे चेक केले असता आम्हाला त्यांच्या वर्णनावरून एक संशयित आरोपी आम्ही तिथे मिळाला। त्याच्यानंतर एक आरोपीच्या मोबाईल डाटेवरून आम्ही सुरगणे येथून त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर आम्ही आमच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील साहेब, त्यानंतर आमच्या अडिशनल मॅडम माधुरी कांगणे मॅडम, त्यानंतर आमचे डेप्युटी साहेब गायकवाड साहेब आणि आमचे प्रभारी रजपूत साहेब यांनी एक 5 लोकांची कमिटी गठीत केली का सदर गुन्ह्याचा तपास होण्याकामी। मग त्यात आमचे उदय साहेब, आम्ही स्वतः, आमचे चेतन बागुल बच्छाव दादा असे आम्ही त्यांनी कमिटी स्थापन, मग आम्ही सदर आरोपींना अटक केली। त्यानंतर त्यांना दिंडोरी कोर्टात हजर केलं, माननीय न्यायालयाने त्यांना 1 दिवसाची पोलीस कस्टडी दिली। त्यानंतर आम्ही वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर आरोपींकडनं 7 मोबाइल आम्ही रिकवर केले आहे। नागपुर में सनातन धर्म द्वारा इस वर्ष रावण दहन का आयोजन कस्तूरचंद पार्क में रद्द करते हुए कड़बी चौक के सनातन धर्म युवा सभा के प्रांगण में कुछ सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा। ये जानकारी सनातन युवा सभा के सदस्यों ने वीकेबी न्यूज को दी। कस्तूरचंद पार्क में जो रावण दहन हुआ करता था सनातन धर्म युवा सभा के द्वारे, लेकिन कोविड के चलते ये जो परंपरा है ये कहीं ना कहीं रोकी गई थी, क्योंकि कस्तूरचंद पार्क में लोगों की भीड़ देखते हुए ये निर्णय नहीं लिया गया कि कस्तूरचंद पार्क में रावण दहन होगा। लेकिन परंपरा को चलाते हुए, परंपरा को पूर्ण करते हुए ये जो रावण दहन की प्रक्रिया है ये सनातन धर्म युवा सभा के प्रांगण में पूरी की जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सनातन धर्म युवा सभा के संरक्षक मिस्टर योगराज
रावलचंद सहानी जी। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि आज की तैयारियां क्या है। हमारा पिछले लगभग सत्तर वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। जब मैं 15 वर्ष का था, आज मैं 82 क्रॉस कर लिया हूँ, तब से ये परंपरा चली आ रही है। उससे पहले से चली आ रही है और हम लोग पहले खुद रामलीला में भाग लेते थे, रामलीला में पार्ट करते थे। मेकोसा बाग में जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पर खुद बनाते थे रावण पहले, उसके पश्चात कस्तूरचंद पार्क में लगभग छः सात दशक से वहीं करते आ रहे हैं। और ये पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और शासन द्वारा निर्धारित उनके प्रमाणों के हिसाब से हम कस्तूरचंद पार्क में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी प्रमुख वो है हमारे लिए। पब्लिक की सेफ्टी सबसे पहले है, 1.5 लाख पब्लिक जमा हो जाती है, उसको ध्यान में करते हुए, इंगित करते हुए हमले एक प्रतीकात्मक रूप से अपने सनातन धर्म युवक सभा का जो कड़वी चौक का प्रांगण है, इसमें सिर्फ 5 फुट का एक वो कर रहे हैं और बहुत कम संख्या में हमारे सदस्य रहेंगे जो एक प्रतीकात्मक रूप से अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। और यही हमारी वो है और ईश्वर से प्रार्थना है कि भारत के सभी लोग, देश के सभी लोग सुरक्षित रहें और ये महामारी से मुक्ति मिले। देश में जो आघात हुआ है, पूरे विश्व में जो इसका वो हुआ है, और भारत की रक्षा हो, हमारे नगर की रक्षा हो, हमारे महाराष्ट्र की रक्षा हो, ये मेरी भगवान से, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। यही मेरी है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सनातन धर्म युवा सभा के संरक्षक, जिन्होंने हमसे आज की तैयारियों के बारे में कुछ बातें साझा की। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन राजेश जंगिटवार के साथ जोया खान, नागपुर। गणेश भट्ट एसटी बस स्टैंड के सामने स्थित एक भोजनालय में दो युवकों ने जमकर हंगामा किया। देर रात भोजनालय में बैठा कर खाना खिलाने को कहा, इनकार करने पर दोनों ने भोजनालय के मालिक पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में महल निवासी ईश्वर उर्फ योगी दिलीप राव ढेंगरे और सागर लीलाधर धनजोड़े का समावेश है। जख्मी पार्वतीनगर निवासी अनुज राम नरेश पांडे बताया गया। पुलिस ने अनुज के बड़े भाई दुर्गा प्रसाद पांडे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा प्रसाद और अनुज एसटी स्टैंड के सामने अंबिका भोजनालय चलाते हैं। मंगलवार की रात 11:30 बजे के दौरान दोनों आरोपी उनके भोजनालय पर आए और खाना खिलाने को कहा। दुर्गा प्रसाद ने उन्हें बताया कि भोजनालय बंद हो गया है, उन्हें डाइनिंग की सुविधा नहीं मिल सकती, लेकिन पार्सल दिया जा सकता है। इसके बावजूद दोनों होटल में बैठकर भोजन करने के लिए अड़े रहे। इनकार करने पर गाली गलौज करने लगे। अनुज ने उन्हें गाली गलौज करने से मना किया। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने अनुज पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कान और कलाई पर हथियार से वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। दुर्ग प्रसाद ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही गणेशपेट पुलिस मौके पर पहुंची। अनुज को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। तुरंत पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में बतौर एग्जीक्यूटिव काम करने वाले कर्मचारी ने कंपनी को 8,70,000 रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने सहकार नगर निवासी मंगेश मधुकर राव देशमुख की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी एनआईटी संकुल कमाल चौक निवासी मनिंदर सिंह सुखदेव सिंह मुल्तानी बताया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगेश एसटी स्टैंड के समीप पाटिल कॉम्प्लेक्स स्थित महिंद्रा फाइनेंस कंपनी कार्यालय में एरिया सेल्स मैनेजर है। इसी कार्यालय में मनिंदर एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत था। वह ग्राहकों से कलेक्शन का भी काम करता था। 13 जून से 30 सितंबर के बीच मनिंदर ने कंपनी के ग्राहकों से कैश और गूगल पे के जरिए मोटी रकम हासिल की। इसके बदले अन्य ग्राहकों द्वारा जमा करवाए गए चेक की रिसिप्ट देता गया। ग्राहकों की जगह पर वह अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों के चेक कंपनी के खाते में जमा करवाता था और चेक बाउंस हो जाते थे। कुल 37 ग्राहकों से उसने इसी तरह बैंक की किस्तों का कलेक्शन किया। कंपनी को 8,70,000 रुपए का चूना लगाकर मनिंदर फरार हो गया। कंपनी ने सभी खातों का ऑडिट किया तो धोखाधड़ी सामने आई। मामले की शिकायत गणेशपेट पुलिस से की गई। पुलिस ने धोखाधड़ी और हेरा फेरी का मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की है।
नागपुरकरांचा दागिना म्हणजेच रोकडे ज्वेलर्स, और इसी बात को सही ठहराते हुए रोकडे ज्वेलर्स इस बार दिवाली में कई सारी अमेजिंग चीज़ें जो है नागपुर के लोगों के लिए लाए हैं। और सबसे खास बात है इनका जो कलेक्शन होता है वो थोड़ा एक्सक्लूसिव होता है, क्योंकि ये कई सारे अलग अलग शहरों से अलग अलग चीज़ें नागपुर वालों के लिए लेकर आए। और इसी पर बात करने के लिए प्रतीक्षा जी हमारे साथ है, तो बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा कि नागपुरकरांचा दागिना म्हणजे रोकडे ज्वेलर्स, तो कुछ नया लेकर आ रहा है, तो वो क्या नया है जानना चाहते हैं लोग। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलना चाहूँगी, मैं प्रतीक्षा रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से आपके VKB जो न्यूज़ चैनल है उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके वजह से हम लोग नागपुर की जनता तक के पहुँचने वाले हैं और हमारा मैसेज उन तक के हम लोग लेके जा रहे हैं। जैसे अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो सभी की तैयारियाँ हो चुकी है, हमारी भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी है कस्टमर के स्वागत के लिए। आपने जैसे अभी शूट किया ही है तो हमारी जो रेंज है तो वो इतनी डिफरेंट है, हर कलेक्शन हमारा एक दूसरे से अलग है। तो मैं एक एक कलेक्शन आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या हम लोग कलेक्शंस लेकर आए इस बार कस्टमर्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेट्स से। जैसे ये हमारा एंटिक कलेक्शन में बैंगल है, लुक वाइज ये हेवी है लेकिन अगर आप इसका वेट जानेंगे तो इसका वेट काफ़ी कम है, ओनली 50 ग्राम्स के दो बैंगल्स में ये आ जाएगा आपको। इसी टाइप से हमारे पास में एंटिक कलेक्शन इस बार हम सबसे पहले लेकर आए। हमेशा एंटिक कलेक्शन जो होता था काफ़ी हेवी होता था लेकिन इस बार 20 ग्राम से हमारे पास में एंटिक कलेक्शन है, हेरिटेज कलेक्शन है। जैसे दिवाली के तुरंत बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट होगा तो हम उसकी भी तैयारियाँ हमारे पास में रेडी है। मैं एक एक मतलब ऐसा कहना गलत नहीं होगा, दसरा हो, दिवाली हो या फिर आने वाला वेडिंग सीजन हो तो रोकड़े ज्वेलर्स बिल्कुल तैयार है, बस आपको आना है पैसे लेके जो चाहिए ले जाइए और शादी कर लीजिए। सेवा का मौका दीजिए, मैं यही बोलना चाहूँगी सभी दर्शकों से कि रोकड़े ज्वेलर्स को सेवा का मौका दीजिए। और हम लोग हर बार की तरह इस बार भी लोगों के जो क्या बोलते डिमांड्स नहीं उनकी अपेक्षाओं के ऊपर में हम लोग खड़े उतरेंगे। एक एक कलेक्शन में आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे ये भी हेरिटेज कलेक्शन है, हमेशा लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि हेरिटेज एंड टेंपल लोग उसको कंबाइन कर लेते हैं लेकिन टेंपल कलेक्शन जो होता है टोटली अलग है, एंटिक कलेक्शन टोटली अलग है। ये एक नया कलेक्शन और इसका पॉलिशिंग आप जैसे देखोगे तो ये ना ही टेंपल के लुक में आ रहा है ना ही हेरिटेज के लुक में एंटिक के लुक में आ रहा है, ये हेरिटेज है, एक नया कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया है। आप अगर यहाँ पर देखोगे ये पूरा डोली कलेक्शंस में है, आप इसमें देखोगे कि एक दुल्हन उसमें बैठी हुई है, ये 3D कलेक्शन के साथ में है। हर प्रोडक्ट की एक अपनी स्टोरी बता रहा है, आप यहाँ पे देखना चाहोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि शादी कलेक्शन हम लोग लेकर आए हैं पूरा फेस्टिव के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और शादी करने वालों के लिए मतलब मेरे ख्याल से एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का खजाना है, आपको बस देखना है, चूज़ करना है। जैसे ये कलेक्शन है ये पूरा टेम्पल कलेक्शन में है, इनफैक्ट ये ऊपर का अगर आप चोकर देखोगे तो सरस्वती जी का पूरा उसमें स्टोरी दिया हुआ है, उनके कमल के फूल से लेके सारी चीज़ें उसमें डिस्प्ले की गई है और ये 3D कलेक्शन है। बहुत ही बारीक काम दिखाई देता है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसी अलग चीज़ें पहनने का शौक होता है उनके लिए बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कि हमारी जो मेकिंग है ये सबसे लोएस्ट मेकिंग है। अगर आप देखना चाहेंगे सबसे अट्रैक्टिव जो चीज़ें हैं, अगर आप कस्टमर्स को लगता है कि इतना सुंदर कलेक्शन है तो इसकी मेकिंग बहुत ज़्यादा काफ़ी रिजनेबल एंड लोएस्ट, ये गारंटी के साथ है। तो गुड न्यूज़ है जो लोग मतलब दिवाली के बाद शादियों के लिए शॉपिंग करेंगे तो मेकिंग बहुत कम रोकड़े चार्ज करने वाले हैं, और ये कोट कर दिया है मैम ने, तो अगर आप आए तो ज़रूर बता सकती है, आपने तो बोला था मेकिंग कम है। ये देखिए ये कृष्ण लीला के साथ में है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला, ये वरमाला कलेक्शन है, इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों वरमाला के साथ में। हाँ जी, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं, मोर भी बिल्कुल पूरा उसमें कृष्ण लीला के साथ में है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, जितना खूबसूरत ये कैमरे की फ्रेम में दिख रहा है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, पर्सनली अगर विजिट करिए, लक्ष्मी नगर में है फिलहाल हम लोग तो रोकड़े ज्वेलर्स के, तो ज़रूर पास से, और भी बहुत खूबसूरत लग रही है चीज़। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि ग्राहकों की डबल दिवाली होने वाली है, एक तो गोल्ड के प्राइजेस अभी मार्केट में बहुत लोएस्ट चल रहे हैं अभी तक के, लेकिन बढ़ने के चांसेस है, तो रोकड़े ज्वेलर्स के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी हमारे सारे ब्रांचेस में आइए, ये सारा कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, और दिवाली के लिए आप जरूर यहाँ पर आके बुकिंग करवा सकते हैं रेट बढ़ने से पहले। हाँ, ये एक खास फैसिलिटी इनके पास है, प्रतीक्षा मैम ने जो बताया कि अभी आप क्रेडिट पर वो चीज़ अपने नाम पर लेके रख सकते हैं, बाद में आप उसका पे कर सकते हैं, भले रेट कितना भी हो जाए लेकिन वो चीज़ आपकी हो जाएगी।
जैसे देखिए कि धनतेरस में काफ़ी रश होता है, ऐसे कंडीशन में कैसा हो जाता है कि बहुत हौशकौश हो जाता है कस्टमर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। तो अभी ये सबसे अच्छा चांस है कि रेट कम होने की वजह से वो हमारे पास आ सकते हैं, पूरी वाइड रेंज हमारे पास देख सकते हैं और अपने लिए अपना प्रोडक्ट भी बुक करवा सकते हैं। एक छोटा सा क्रेडिट नोट लेना है, अपनी चीज़ बुक करनी और बाद में पैसे देके वो ले जानी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करेगी, अगर आप कैमरे पे देख रहे कि ज़रूर एक बार विजिट करनी चाहिए। ये कलेक्शन को आप देख सकते हैं, पूरा हैंडमेड कलेक्शन है, इसका बारीकी से पूरा काम देखिए। दिवाली के हिसाब से महालक्ष्मी का कलेक्शन आया हुआ है, इसमें कस्टमर्स प्रीफर करते हैं कि कुछ तो भी लक्ष्मी का कॉइन परचेस करते हैं। लक्ष्मी के कॉइन के बदले में आप यहाँ पर आके लक्ष्मी का पूरा सेट आप लेके जा सकते हैं दिवाली के शुभ अवसर पे। और अगर आपकी पत्नी रूठ गई हो तो ये अच्छा मौका है, इस लक्ष्मी पूजन के दिन ऐसा लक्ष्मी वाला हार दे तो पूरे ज़िंदगी भर ना रूठे वो। और पत्नी को मनाने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स से बेटर ऑप्शन उनको कहीं मिलेगा नहीं, ये हम गारंटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही, मैंने कहा ना कि स्क्रीन पर जितना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि कैमरे के लेंस का प्रॉब्लम होता है, आंखों से जितना बेहतर देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी ये चीज़, नज़दीक से बहुत अच्छा दिखे। देखिए अभी दिवाली को, धनतेरस को अभी और 15 डेज बाकी है, कस्टमर के पास में चांस है कि हाँ बिल्कुल कि वो आए हमारा कलेक्शन देखे। और हम लोग तो सब तैयार है ही, हमारे पूरा सब पकड़ के मेरी टीम तैयार है कस्टमर्स की सेवा करने के लिए यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा कि ये लोग एंटीक चीज़ें लाते हैं और खुद जाते हैं परचेसिंग के लिए, ऐसे नहीं किसी के हाथ से मंगाते कोई वेंडर लेकर, खुद जाते हैं पसंद करते हैं और लेकर आते हैं। तो जो इन्हें पसंद आया, आई होप 101% आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक मैं अपना यूनिक कलेक्शन आपको दिखाना चाहूँगी, आप इसमें देखेंगे कि पूरा स्टोन्स का इसका वर्क है। इसका जो वेट रहेगा करीब 400 ग्राम के आसपास में इसका वेट है, विद ईयरिंग के साथ में है। ये अभी के लिए सबसे अट्रैक्शन बना है हमारे पास कस्टमर्स के लिए कि ये पूरा जोधा अकबर वाला जो लुक है, कि कोई ब्राइडल कलेक्शन अगर लेना चाहता है उन्हें उसके लिए दो हार या नेकलेस चोकर लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही हार में उसमें उनका पूरा लुक रेडी हो जाएगा। स्क्रीन पर तो देखकर आपको पसंद आ गई होगी और लग रहा भी होगा कि मैं खरीद लूँ, लेकिन प्रोसीजर क्या है तो वो जान लेते प्रतीक्षा मैम। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जैसे अभी आज का जो गोल्ड का रेट चल रहा है 22 कैरेट का 47,000 का रेट चल रहा है, आप इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है, एक हमारे पॉलिसी के हिसाब से एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट अगर आपने बुक करवा दिया तो आपका गोल्ड का रेट भी यहाँ पे बुक हो जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को हमारे तक आना पड़ेगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से उनको बता पाऊँगी कि कौन सी चीज़ है, उनकी चीज़ उनके लिए बुक रहेगी धनतेरस पे, जिसमें उनको वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूँगी नागपुर वासियों को, पूरे विदर्भ वासियों को बोलना चाहूँगी कि रोकड़े ज्वेलर्स में ज़रूर आइए, ये यूनिक कलेक्शन का लाभ उठाइए। और जो हमने ऑफ़र दे रहे हैं कि आप दिवाली के पहले आके अपना गोल्ड बुक करवा सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूर इस चीज़ का लाभ उठाइए। बिल्कुल सही। तो दिवाली की शॉपिंग लोगों ने शुरू कर दी है और दिवाली के बाद शादियां भी होने वाली, तो उसकी भी शॉपिंग शुरू हो गई। तो रोकड़े ज्वेलर्स बिल्कुल तैयार है ऐसे कई सारे अमेजिंग कलेक्शन के साथ, तो अगर आप भी शॉपिंग करने का प्लान करें तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा रोकड़े ज्वेलर्स की 4 ब्रांचेस है नागपुर में, आप कहीं भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं तो नागपुर के लक्ष्मी नगर में आऊँ। आज के लिए बस इतना ही, कैमरामैन राजेश के साथ मैं अमूल शिंदे, VKB न्यूज़ के लिए। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।